पीतमपुर में फाइनेंस की गाड़ी सीजिंग करने वाले दो ग्रुपों की आपस में भिड़ंत हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में जिस शख्स की पिटाई हो रही है, दरअसल वह शख्स अंकित सक्सेना है, जो कि गाड़ी सीजिंग का काम करता है। इनका अपना वाहन सीजिंग का गिरोह है। दूसरे सीजिंग गिरोह के लोगों ने अंकित सक्सेना को घेर लिया, लाठी डंडे पत्थरों से जमकर पीटा। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि इस तरह बेरहमी से पिटाई की जा रही है। पुलिस ने दोनों गिरोह के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पीतमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। पीतमपुर में जो मारपीट की घटना है, उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? इंडस टाउन के मैदान पर रात में 10 तारीख को एक लड़के के साथ मारपीट की थी। उसमें अंकित सक्सेना नाम के लड़के ने यहाँ थाने पर आकर रिपोर्ट की थी कि तीन लड़कों ने और अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की है और सीजिंग की बात करें। इस पर अपराध दर्ज किया गया है और मारने वालों में से तीन व्यक्तियों को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरी पार्टी से भी अंकित सक्सेना की शोहरत ये है कि थाना किशनगंज में इसके खिलाफ मारपीट के और उसके अपराध दर्ज हैं और इसका भी ग्रुप चलता है। इसके साथी को भी, एक को भी मैं अवैध शराब के मामले में पकड़ा गया है, आज पकड़ के गिरफ्तार किया है। और इसमें वो व्यक्ति स्वस्थ है और आके रिपोर्ट करने पर अपराध दर्ज किया गया है। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी? एक ओर से अभी जो अंकित सक्सेना जिसमें रिपोर्ट की है, उसमें से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की अभी तलाश की जा रही है। आपका नाम और पद बता दें। टीआई चंद्रभान चिंचड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।